हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो व्लॉग हमारा है, ये है कांच महल का। जो आप सामने इमारत देख रहे हैं, इसे कांच महल के नाम से जाना जाता है और इसका संबंध है जहांगीर से, जो कि मुगलकालीन एक शासक है। कांच महल उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर आगरा में स्थित है। आगरा के सिकंदरा में स्थित कांच महल अकबर के मकबरे के बगल में वर्गाकार आकार में बना हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं, इसे लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है और इसकी जो डिजाइन है ये बिल्कुल मुगलकालीन डिजाइन है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसका निर्माण 1605 ईस्वी से 1619 के बीच किया गया है। कांच महल के निर्माण में टाइल्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए इसे कांच महल के नाम से जाना जाता है। महल का निर्माण पहले शाही औरतों के हरम के तौर पर किया जाता गया था। बाद में जहांगीर ने इसका इस्तेमाल शिकार घर के रूप में किया गया। यह आप जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर मुगलकालीन शाही औरतें बैठा करती थी, क्योंकि पहले इसे शाही हरम बनाया गया था। इस दो मंजिला महल में इसके चारों दिशाओं में वर्गाकार कमरे बने हुए हैं। मुख्य हॉल में बिना किसी रुकावट के सूर्य की रोशनी और हवा के पहुंचने के लिए दो रास्ते बनाए गए हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, यही है वो बालकनी जहाँ से सूरज की रोशनी सीधा इस महल के अंदर आती है। यह कांच महल एक भव्य भाग से घिरा हुआ है, जिसमें पानी की नहर, टैंक और छोटे छोटे पुल बने हुए हैं। इस कांच महल में कई वृत्ताकार स्थान हैं, जिसमें मदिरा रखने के बर्तन, फूल की लताएं और ज्यामिति डिजाइन बनी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा लाल बलुए पत्थर से ही बनाया गया है। इसके जस्ट पास में आपको अकबर का महल देखने को मिलेगा, जिसका व्लॉग हमारे इस चैनल पर बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई और आप इसी तरह के हिस्टोरिकल व्लॉग्स या इतिहास को पसंद करते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार इस तरह की वीडियो आती रहती है, और ज़रूर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।